स्टूडेंट लुक नाउ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर वन में देखा आपको इक्वेशंस दे रखी थी, उसे बस कन्वर्ट करना था, एक क्वाड्रेटिक में है या क्यूबिक है या आपका लीनियर है, ठीक है। बट हमें अब इक्वेशंस बनानी है, आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उस प्रॉब्लम से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे हम उसे, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है, फर्स्ट पार्ट में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 meter square। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 5 to 8 meter square दे, 5 to 8 meter square दे रखा है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहां किसे कंसिडर कर रहे हैं, ब्रेथ को, तो यहां लिखेंगे लेट लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद लेंथ जो दे रखा है उसने कंडीशन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है क्वेश्चन में कि कह रहा लेंथ इज लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो ब्रेथ का ट्वाइस करके उससे एक ज्यादा, तो हमारी ब्रेथ x है, इसका डबल करेंगे यानी ट्वाइस करेंगे तो आपका 2x और उससे 1 more यानी एक ज्यादा प्लस 1, ये आ गई लेंथ इसकी मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ एल इनटू बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो दे रखा है आपको 5 to 8 इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास आई है 2x plus 1 और ब्रेथ हमारे पास है x, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये बन गया 2x square plus x, जब x के अंदर मल्टीप्लाई की ये 5 to 8। अब इक्वेशन बनेगी ये 2x square plus x minus 5 to 8 equals to 0। देखिए बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से। लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक। अगर आप फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले पता होना चाहिए आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। अगर एक पहला इंटीजर आपका एक्स है तो दूसरा होगा एक्स प्लस वन, इस तरीके से, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक के बाद एक कंटिन्यूसली, तो कंसेक्यूटिव में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे एक्स लेते हैं, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स, ठीक है, और सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स प्लस वन, ठीक। पहला एक्स हो गया, दूसरा एक्स प्लस वन, वो कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू एक्स प्लस वन, ये आगे दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है 306 के, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306, इधर ले आएंगे आप माइनस में तो इक्वल्स टू जीरो, इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट लुक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट ऑफ दिस, थर्ड पार्ट में कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर की एज जो है वो 26 इयर्स ज़्यादा है रोहन से, अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो रोहन की प्रेजेंट एज बताओ, यहाँ निकलेंगे लेट रोहन प्रेजेंट एज ऐसे करके या लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो एज हमेशा ईयर में कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आफ्टर और बिफोर,
ठीक है, आफ्टर का मतलब हो गया उसके बाद, जैसे सपोज कर लो आपकी प्रेजेंट एज 16 ईयर्स है, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो 16 प्लस 3 19, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो और आपसे पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट एज 16 है, 3 इयर्स बिफोर कितनी होगी, तो 16 माइनस 3, यानी बिफोर एगो के केस में आप माइनस करते हैं, ठीक है, आफ्टर और हेंस के केस में आप ऐड करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना जो मैंने बोला आपको। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लेट प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, ऐसे लिख लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, वाई आर एस, ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पे कि उसकी एज जो है उसकी मदर से 26 ईयर्स ज्यादा है, तो मदर्स की एज क्या हो जाएगी, 26 प्लस एक्स लिख लेंगे, मदर्स एज इज, मदर्स एज इक्वल्स टू प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स ईयर्स, ठीक। अब वो कह रहा है अब से 3 साल बाद, तो लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 इयर्स, ठीक है, ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स मदर्स एज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स प्लस 3, इट बिकम 29 प्लस एक्स ईयर्स, ठीक। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है इसमें कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 360, कितना है 360 प्रोडक्ट जो दिया है, यस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस 3 और 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, ठीक। हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 29x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 और प्लस 3x इक्वल टू 360, ठीक। अभी बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x, क्योंकि 3x ये है और 29 ये है, तो 32 हो गया, और माइनस ये आ जाएगा आपका प्लस का 87, प्लस का 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का आएगा ये 3 बचा, 50 में से ऐड जाएगा 7, 243 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ओके।